नमस्कार। चावल हमारे दिनचर्या का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। ज़्यादातर कई क्विजींस में, इंडियन या वेस्टर्न में, कई सोसाइटीज़ या लोकैलिटीज़ या कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फूड स्टफ यही होता है। ये या इससे बने हुए और चीज़ों को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। आज डिस्कस करेंगे क्या ये हेल्दी है। साधारणतः यूज़ किया जाने वाला वाइट राइस यानी पॉलिश राइस, क्या ये हार्ट पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए अच्छा है, और अगर उनको इसे प्रयोग करना है तो क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है, उस पर डिस्कस करेंगे। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं उस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। बेसिकली चावल के फ़ायदे ये हैं कि एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है, बॉडी में काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी देता है। तो यदि आपको दिन भर में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अच्छा चाहिए, बॉडी को एनर्जाइज करना है, तो ये अच्छा सोर्स है जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत आप खा के एनर्जाइज्ड हो जाते हैं उसको। फैट कंटेंट कम है, तो जो लोग अगर कार्बोहाइड्रेट रिच और फैट लेस डाइट खाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। मेहनत मजदूरी का काम जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको बॉडी को तुरंत एनर्जी देता है। वजन ज़्यादा वाली चीज़ खाने से या फैट वाली चीज़ खाने से उनका वजन बढ़ेगा, और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ खाने से नींद ज़्यादा आती है। तो इसको ये है कि आप काम करके तुरंत अगर इसको खाते तो वापस काम पर जा सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चावल खाने से भी नींद ज़्यादा आती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर इतना अमाउंट ऑफ फैट ले रहे हो और इतना अमाउंट ऑफ चावल को ले रहे हो, तो फैट खाने से आपको ज़्यादा प्रोसेसिंग लगेगी, ज़्यादा स्लो एनर्जी मिलेगा, नींद ज़्यादा आएगी और काम करना मुश्किल होगा। इसमें तुरंत आपको एनर्जी मिलेगी, जल्दी और ईजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ज़्यादातर जिन लोगों को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट करने में चीज़ों को दिक्कत होती है, उनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर चाहिए तो ये उनके लिए अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट नहीं होता, पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिनको चाहिए उनके लिए अच्छा है। पेट के लिए इजी है, जिन लोगों को डाइजेस्टिव जूसेस का प्रॉब्लम है या पेट में कोई ऐसा इशू है जिसमें वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उनको अच्छा है। ग्लूटेन फ्री है, तो जो लोग व्हीट नहीं खा सकते, जिनको सीलियाक डिजीज़ है, जिनको गेहूँ खाने पर बैन है क्योंकि सीलियाक डिजीज़ गेहूँ खाने से बिगड़ जाता है, उस तरह के पेशेंट के लिए ये अच्छा एनर्जी सोर्स है। बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए बहुत तरह के क्विजींस और बहुत तरह के कल्चर्स और बहुत सारी सोसाइटीज़ में इसको अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कैलोरी कंट्रोल मैनेज करना इसमें काफ़ी इजी होता है, क्योंकि कितना अमाउंट आप ले रहे हैं उसको मैनेज करना थोड़ा इजी होता है। तो इसको पोर्शन करके, डिवाइड करके खाना इजी है कि इतना चावल लेना है तो इतना दाल लेना है, उसको मैनेज करना थोड़ा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी खाद्य पदार्थों के। जो लोग को अगर पेट से रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है या डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। वो लोग ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ खाते हैं तो पेट बिगड़ जाता है, उनके लिए अच्छा है कि वो चावल ज़्यादा मात्रा में खाएं तो पेट का दर्द या इरिटेबल बाउल जैसे प्रॉब्लम कम होंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिस्ट ज़्यादा लंबी है, फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान है इसके। बेसिकली वाइट राइस में क्या है, जो फाइबर का कंटेंट है वो हटा दिया जाता है। ब्राउन राइस में कंपेरेटिवली फाइबर ज़्यादा रहता है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें जो पॉलिशिंग करते हैं या जो राइस को क्लीनिंग करते हैं उसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल जो कि उसके आउटर लेयर में ज़्यादा रहते हैं वो निकल जाते हैं, तो ये उतना हेल्दी नहीं है जितना कि ब्राउन राइस है। ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो खाने के बाद तुरंत शुगर लेवल्स बढ़ता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है जो कि पैनक्रियास सेल्स पर ज़्यादा स्ट्रेस करता है। फाइबर नहीं है तो इसलिए डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इसलिए विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो उससे भूख नहीं मिटती, तो और ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है तो पेट ज़्यादा भर जाता है, तो इससे कई बार आपको वज़न बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। लंबे समय तक खाली अगर इसको खाते हो पॉलिश राइस को, तो बहुत सारे विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों को नहीं खाते हो तो इसमें आपको विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह नहीं है जो कि ब्राउन राइस में होते हैं, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। कैलोरी इसमें ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स इसमें कम है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जिन लोग को भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उसको जहाँ तक पॉसिबल है इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शुगर बढ़ता है इससे और आपका कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगी, आपका हार्ट अटैक का चांसेस भी बढ़ेगा क्योंकि इससे वजन बढ़ता है ज़्यादा मात्रा में इसको लेते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो इसलिए बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, तो जिन लोगों को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है या सिंपल खाना चाहिए, जल्दी एनर्जी चाहिए, उनके लिए अच्छा है। जिनको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। जिनको खाना मैनेज लिमिटेड क्वांटिटी में खा रहे हैं तो उनके लिए कैलोरी कंट्रोल करना इसमें ईजी रहता है। नुकसान बहुत सारे हैं कि न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं,
विटामिन्स मिनरल्स नहीं के बराबर होते हैं, शुगर जल्दी बढ़ती है, फाइबर कम होता है, तो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है, भूख नहीं मिटती है तो ज़्यादा खाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते तो हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कैलोरी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, शुगर कंट्रोल और ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल का इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली ज़्यादातर कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स को जहाँ तक पॉसिबल है इसको अवॉइड करिए। खाना भी है तो कम चावल, ज़्यादा साग सब्जी को खाएं, साथ में दही वगैरह ऐसी कोई चीज़ें लें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो उसको ज़्यादा मिक्स करें, यानी थोड़े चावल ज़्यादा सब्जी खाएं तो खा सकते हैं, पूरी तरह मना नहीं है लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।